नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है और अब सरकार बदली है तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई है। इससे पहले जो सरकार थी उद्धव ठाकरे की, वहां पर जो मंत्रालय थे, मुख्य मंत्रालय जिसकी बात करते हैं, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय, वो सब कुछ शरद पवार ने अपने पास रखा था और सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका शरद पवार की रही है। भले ही मुख्यमंत्री उनका ना रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे से शरद पवार ही महाराष्ट्र की सरकार चलाते हुए नजर आए थे। और कई मौके पर इस पर सवाल सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं उठाया, बल्कि उनकी जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस थी उसने भी उठाया था। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया था कि ये सरकार जो चल रही है, सब कुछ फैसले शरद पवार के इशारे पर लिए जाते हैं, हमारा इसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि हम गठबंधन में तो हैं, लेकिन हम फैसले महाराष्ट्र में नहीं ले सकते हैं। और इसकी वजह यही रही है कि जो मुख्य मंत्रालय रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय रहे हों या फिर वित्त मंत्रालय हो, वो शरद पवार ने अपने पास रखा था, अजीत पवार, और इसके साथ ही पहले अनिल देशमुख और उसके बाद जो गृह मंत्री थे वो चेंज हो गए थे। लेकिन अब यही काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी की जो नजर है वो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पर है। अब आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है, मुंबई जो है, वो देश की आर्थिक राजधानी है, और ऐसे में अब ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जहां पर इतने बड़े कारोबारी हैं, वहां का जो वित्त मंत्रालय अगर किसी के हाथ में मिलता है, इसका मतलब साफ है कि बहुत बड़ी पावर उसके हाथ में लग गई है। अब इसीलिए कल देवेंद्र फडणवीस रात में पहुंच जाते हैं दिल्ली और यहां बैठकर बातचीत होती है कि मंत्रालय किसके पास क्या जाएगा, कौन कौन से मंत्री शिंदे गुट से बनाए जाएंगे और कौन कौन से मंत्री बीजेपी अपने बनाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आती है कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में गृह मंत्रालय भी नहीं आएगा। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी का तो गृह मंत्री होगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के हाथ में गृह मंत्रालय नहीं आएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में पहले मुख्यमंत्री बनाने की कवायद जो शुरू हुई थी वो देवेंद्र फडणवीस की हुई थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक से खबर आती है कि एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बना दिया है और वो कोई भी, चाहे वो उप मुख्यमंत्री का पद हो या कोई भी पद, वो नहीं लेने जा रहे हैं। जिसके बाद जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, फोन पर बातचीत होती है, और उसके बाद जिस तरीके से जेपी नड्डा मीडिया के सामने आकर इसका ऐलान कर देते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। और उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि अब गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस को मिल सकता है, लेकिन एक बड़ा तगड़ा झटका देवेंद्र फडणवीस को लग गया है, गृह मंत्रालय भी उनके पास नहीं आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं आ रहा है गृह मंत्रालय, तो महाराष्ट्र में कौन से ऐसे बड़े बीजेपी के नेता हैं जिनके पास गृह मंत्रालय जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। तो वो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। जी हाँ, चंद्रकांत पाटिल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उनके हाथ में गृह मंत्रालय जा सकता है। लगातार वो पार्टी को नए शिखर पर पहुंचा रहे हैं, लगातार उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, और इसीलिए अब ये बड़ा तोहफा उन्हें आला कमान दे सकता है। कल अगर हम बात करें तो 9 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी रात, और उसके बाद रात 2 बजे तक ये बैठक चली है कि किसको क्या मिलेगा, और उसी बीच ये डिसाइड हुआ है कि चंद्रकांत पाटिल को गृह मंत्रालय दिया जाएगा। बाकी कौन कौन से पद हैं और किन्हें मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं और विस्तार से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से माहौल मंत्रालय को लेकर बना हुआ है। अब सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि अमित शाह के साथ जो दोनों नेताओं की बैठक हुई है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, उसमें कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। यानी कि यहां पर डिसाइड कर लिया गया है, अमित शाह ने सब कुछ डिसाइड कर दिया है कि कौन क्या पदभार संभालेगा, किसे क्या मिलने जा रहा है। अब ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि महाराष्ट्र पर लगातार सबकी नजरें बनी हुई थी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि शिंदे गुट को 13 मंत्री पद मिलने जा रहे हैं और इसकी संभावना जो है वो ज्यादा हो गई है। हमने आपको पहले भी जो खबर दी थी उसमें बताई थी कि 13 मंत्रालय जो है वो शिंदे गुट को मिलेंगे, और इसके बाद बीजेपी के कितने मंत्री बनेंगे और उनमें क्या क्या उनको मिलने जा रहा है, इस पर भी हम बात करते हैं। शिंदे फडणवीस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि महाराष्ट्र कैबिनेट के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया गया है, यानी कि अमित शाह ने डिसाइड कर दिया है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह जो होगा वो सोमवार सुबह होगा, और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 और करीब 50 निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर उद्धव ठाकरे से अपनी राह अलग कर ली थी, और अब मंत्री जो है वो लेने जा रहे हैं शपथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाजपा गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय अपने पास रखेगी। चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब उन्हीं को गृह मंत्रालय सौंपा जाएगा।
तो बीजेपी के महाराष्ट्र में 39 जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं और इसके साथ ही 13 मंत्री जो बनेंगे वो शिंदे गुट के तरफ से बनेंगे। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास आएगा। चंद्रकांत पाटिल का जो नाम है सबसे आगे चल रहा है, गृह मंत्रालय उनके पास जाएगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पर तगड़ा झटका लगा है, उन्हें गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जिसके पास रहता है, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में रहती है। पिछली उद्धव ठाकरे सरकार में हमने देखा था अजीत पवार और अनिल देशमुख के हाथ में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय था, शरद पवार ही सरकार चला रहे थे। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार की महाराष्ट्र सरकार चलती है, कैसे फैसले उनके तरफ से लिए जाते हैं। लेकिन अमित शाह ने सब कुछ डिसाइड कर दिया है। पहले अमित शाह से मुलाकात हुई है, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं वो मुलाकात करेंगे।